पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का मेडिकल बुलेटिन जारी हो गया है। मस्तिष्क में सूजन के बाद ऑब्जर्वेशन में रखने के 48 घंटे सोमवार को पूरे हो जाएंगे और साथ ही अब अजीत जोगी को बेहोशी की दी जाने वाली दवाइयां भी कम की जाएंगी। बताया गया है कि अगले 24 से 48 घंटे जोगी के मस्तिष्क की गतिविधियों पर निगरानी की जाएगी। राजधानी के श्री नारायणा अस्पताल में भर्ती अजीत जोगी की हालत फिलहाल चिंताजनक ही बनी है। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जो रायपुर के श्री नारायणा हॉस्पिटल में भर्ती हैं। पिछले 3 दिनों से यहाँ पर उनकी जो हालत है वो गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि ये पिछले दिनों इमली खाते हुए इनके गले में इमली का बीज अटक गया था। काफी मशक्कत के बाद डॉक्टरों ने उस बीज को निकाल फेंका है, लेकिन उनके मस्तिष्क में सूजन होने की वजह से मस्तिष्क जो है काम करना बंद कर दिया और वो कोमा में चले गए हैं। अभी भी जो उनकी हालत है वो कोमा में ही है और अभी भी अजीत जोगी जो है कोमा में है। पिछले अगले 48 घंटे उनके लिए काफी अहम है, क्योंकि इस 48 घंटे में देखना ये होगा कि जो दवाइयां है वो उनके शरीर पर कितना रिस्पॉन्स करती है। कैमरा मैन देवांगन के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस। जिंदगी और मौत के बीच